तो हे गाइस, आज हम इसे न्यू ईयर फोटो एडिटिंग आपको सिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको भी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइस, न्यू ईयर में पहली वीडियो है तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पिक आर्ट में आपको सबसे पहले ये वाला बैकग्राउंड ले लेना है। मैं आपको दिखा सकता हूँ बैकग्राउंड मैंने बनाया हुआ है पहले से। देन आपको ऐड फोटो वाला ऑप्शन में चलना है। यहाँ से देख सकते हो ऐड फोटो वाला ऑप्शन, उसमें आपको जाकर अपने बैकग्राउंड को रिमूव करके अपने फोटो को मॉडल के बैकग्राउंड को रिमूव करके रखा रहना है। देन यहाँ से उसको ऐसे कुछ इस पोज में भी रख सकते हो, चाहे कोई दूसरा पोज भी आप यूज कर सकते हो। मेनली मैं इसी पोज को मेनली यूज कर रहा हूँ। देन उसके बाद से आपको इसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस, इसका एडजस्टमेंट मैं पूरी तरह से आपको दिखाऊंगा, स्किप नहीं करूंगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन मैं इस एडजस्टमेंट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। शेडो वगैरह बन रहा है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको बस ऐसे एडजस्ट कर लेना है। देन उसके बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और 2023 में हम लोग को कुछ नहीं तो कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक ऐड फोटो पर चलना है और एक पीएनजी को ऐड करनी है, बलून वाली पीएनजी आपको ऐड कर लेनी है। देन इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है यहाँ से, और इसको थोड़ा सा हम लोग पहले स्क्रीन कर लेंगे, फिर उसको फुल कर लेंगे। देन यहाँ से आपको फोटो वगैरह प्यार हो तो इसका आप बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा इसको रिमूव करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि स्विच पे आ रहा था। देन राइट पे क्लिक करेंगे, और राइट पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके ड्रॉ टूल में चलना है। हम लोग को शैडो लाना, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में चलेंगे और इसको ब्लैक कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ ब्रश को लेकर सिंपली आपको जूम करना है, जहाँ पे आपको इसका हार्डनेस थोड़ा कम कर देंगे, ऑपेसिटी रहेंगे, हार्डनेस कम कर देंगे, हार्डनेस जीरो कर देना है आपको यहाँ से का। और ऑपेसिटी भी लगभग थोड़ी बहुत ही रखनी है, अराउंड 30 या 40 रख लेंगे। देन यहाँ से डन करेंगे। अब आपको जूम करना है और अपने स्विच के नीचे ऐसे ड्रॉ कर लेना है, जिससे थोड़ा शैडो बन जाएगा। यहाँ पे बन गया। अब आपको दूसरी जगह चलना है, थोड़ा सा ये पंचिंग लेग के नीचे भी कर लेंगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत, जिससे शैडो टाइप में डार्क हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ बना लेंगे। और आपको अच्छी तरीके से करना है, इस बात का ध्यान देना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं स्विच के नीचे भी बना लिया है, जिससे थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। अब आपको डन कर लेना, ऊपर से फिर से ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन में चलना है, और यहाँ से आपको इसको सेव कर लेना और लाइट रूम वाले एप्लीकेशन के अंदर लेके चलना है। मैंने लाइट रूम वाले एप्लीकेशन आ चुका हूँ। देन आपको लाइट्स वाले ऑप्शन में चलना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर इसका एक्सपोजर आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, अराउंड 30 या 40 या 20 भी रख सकते हो। देन एक कॉन्ट्रास्ट को आपको थोड़ा सा छेड़ना नहीं है, हाईलाइट थोड़ा सा बढ़ा के देख लेंगे तो थोड़ा ही इसको रखेंगे। देन यहाँ 10%, फिर इसका शैडो थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, पहले डिक्रीज यानी 50% डिक्रीज कर देंगे, चाहे आप थोड़ा सा बढ़ा के भी देख सकते हो। देन मैं इसका थोड़ा कम ही करूँगा, बढ़ाऊँगा ज़्यादा, यहाँ पर इंक्रीज करूँगा 50%। देन वाइट्स को आपको थोड़ा छेड़ना है, डिक्रीज करना है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो 30 30। कलर टूल में आकर आपको मिक्स टूल में चलना है यहाँ से। देन इसका लुमिनस ऑरेंज वाले का लुमिनस बढ़ा देना है, सेकंड वाले का हो सकते हो आप, यहाँ से थोड़ा फेस पे लाइट आ जाएगा। देन आपको येलो वाले पे चलना है, इसका भी थोड़ा सेचुरेशन बढ़ा देंगे। उसके बाद सबका सेचुरेशन थोड़ा थोड़ा छेड़ना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, येलो वाले को थोड़ा सा छेड़ेंगे, यहाँ से भी इसका थोड़ा सा ही छेड़ेंगे। देन इसको नहीं, इसको रख देंगे वापस, क्योंकि अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। देन यहाँ पे रेड वाले का भी लुमिनस हम लोग सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से इसका डन कर लेंगे। अब वो टेम्प 4% कर लेना है यहाँ से, थोड़ा सा उसमें येलो स्टोन आ जाएगा। अब इफेक्ट वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है, यहाँ से बिफोर आफ्टर आप चेक कर लो, इफेक्ट वाले ऑप्शन में चलना है और इसका थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा देना है, क्लियरिटी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, डेजर्स को थोड़ा विगनेट डाल देंगे इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सो बिफोर आफ्टर आप देख लो, वीडियो काफ़ी अच्छी एडिटिंग है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चाहे को सब्सक्राइब जरूर।